की ताजा खबर, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। फिर 2021 तक कोरोना वैक्सीन तैयार होने की संभावनाएं हैं। तो इसी बीच हम बुलाना चाहेंगे ऐसी महिला को जो एक सोशल वर्कर है और इस कोरोना के टाइम पे उन्होंने बहुत से लोगों का मार्गदर्शन बदला। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इस कोरोना के चलते मैंने देखा है कि बहुत से लोग मायूस हो रहे थे, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो उन्हें हिम्मत दे सके। कोरोना कह तो मन पा रहा है, लेकिन अपनों को अपनों के करीब ला रहा है। मुझे तो बहुत सब कुछ साफ देखा, आज मैंने अपना परिवार देखा। एक तरफ कोरोना को कोसने का मन करता है कि जैसे तैसे इसका विनाश हो जाए, लेकिन 0.5 से ही इसका शुक्रिया अदा भी फरमाए, क्योंकि इसकी वजह से आज एक मकान को एक घर बनते देखा। पैसा पावर किसी के काम नहीं आ रही, चार दीवारी में जिंदगी फिर भी खिलखिला रही। पापा बेटा प्रोजेक्ट बना रहे और शिक्षक हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। दाल रोटी रूखी सूखी जो मिल जाए हम खा रहे हैं। घर बैठकर तप कीजिए, किसी का दिल दुखाया है तो बस कीजिए। कर्मों के फल का नतीजा सरेआम देखा, कर्मों के फल का नतीजा सरेआम देखा, आज हमने कुदरत का इंसाफ देखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों हमें उम्मीद है कि इस कविता से आप लोगों का मार्गदर्शन जरूर बदलेगा, क्योंकि याद रखिए हमें कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। जय हिंद, जय भारत।